पाप का घड़ा तो नवंबर से पहले फूटना तय है। ऐसा फोड़ूंगा ना कि दोबारा कोई शेल्टर होम में बच्चियां जो है वो उसके साथ हवानियत नहीं होगी। जिस लड़की के पीठ पे हाथ पे सिगरेट का दाग होगा उसकी फीलिंग समझिए, और वो किसी को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उन जो बच्चियों ने जो कहानी सुनाई है वो इतनी दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आप रो देंगे। मैं लिखते लिखते 2-3 बार रोया हूँ। 20-30 लड़कियाँ उसमें प्रेग्नेंट होती है तब भी बिहार सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। इसलिए हमें पिक्चर बनानी पड़ी कि ताकि ये जो चीज़ है जो दबी हुई है उसको उजागर किया जाए, जो पाप है, पाप का घड़ा है, उसको अब फोड़ने का टाइम आ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड पर फिल्म नफीसा बन रही है, इसको लेकर डायरेक्टर मुजफ्फरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और शूटिंग चल रही है, शूटिंग का अंतिम पड़ाव चल रहा है। ऐसे में कुमार नीरज जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? फिल्म बना रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर जी, क्यों बना रहे हैं आखिर? क्यों देखिए, क्यों बना रहे हैं उसका रीज़न है कि ये कांड 2018 में हुआ था और आप मीडिया वालों ने एक भी लाइन नहीं छापा, ना कभी दिखाया। दिखाया था? नहीं नहीं नहीं, आप लोग अगर दिखाते हो तो मेरे ख्याल से आज मुझे फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो चीज़ को छुपाया प्रशासन ने, मीडिया ने, सरकार ने, उसी को मैं अब उजागर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ मीडिया वाले थे जो इसको उजागर कर रहे थे पर शासन के वजह से वो नहीं कर पाए। कार्रवाई भी हुई, कई लोग जेल भी गए। आपको बता दूं कि मीडिया के जो रिपोर्ट थी और जो अरेस्टिंग है वो उसका गैपिंग है 4 साल। 18 में कहानी होती है, 4 साल के बाद उनकी अरेस्टिंग होती है, पर सुप्रीम कोर्ट के अरेस्टिंग होती है, बिहार सरकार अरेस्टिंग नहीं कराती है। आप एक चीज़ समझिए, आप बॉम्बे से लोग आते हैं यहाँ जाँच करने के लिए टिस्को, उसके रिपोर्ट में बिहार सरकार को भेजा जाता है, बिहार सरकार पलटी मार के बैठ जाती है। क्यों? 20-30 लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट होती है तब भी बिहार सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेता है इस केस का, जिसका नाम है शेल्टर होम केस, और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि आज ब्रजेश ठाकुर अंदर है पर बिहार जेल में नहीं, तिहाड़ जेल में। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोर्ट को बिहार सरकार पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अगर विश्वास होता तो सालों साल से उन बच्चियों के साथ हैवानियत हो रहा है और किसी को पता तक नहीं लगा। हर एक वीकली जाके इन्फेक्शन होता था वहाँ पे, क्या किसी को पता ही नहीं लगा? मीडिया वाले को पता ही नहीं लगा, जबकि मीडिया वालों को तो एक एक चीज़ पता लग जाती है, तो ये चीज़ पता क्यों नहीं लगा? इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग ने कोशिश किया होगा, लेकिन इसलिए हमें पिक्चर बनानी पड़ी कि ताकि ये जो चीज़ है जो दबी हुई है उसको उजागर किया जाए, जो पाप है, पाप का घड़ा है, उसको अब फोड़ने का टाइम आ गया है। क्योंकि बात मुजफ्फरपुर की नहीं है, बात उन लड़कियों की नहीं है, बात क्या कि मैं खुद बिहार से हूँ, बाहर जाते हो सबसे पहले यही होता है, अरे तुम्हारे मुजफ्फरपुर में ये हुआ, तुम्हारे पटना में ये हुआ। हम क्यों शर्मिंदगी लें? हमने कोई पाप नहीं किया ना यार, तो हम क्यों? तो उस चीज़ को, क्योंकि मेरे मुजफ्फरपुर ने कोई गलत काम नहीं किया है, जिसने गलत काम किया हम उसको उजागर कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर को उजागर नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो लाखों लोग हैं, एक आदमी के वजह से मुजफ्फरपुर क्यों बदनाम होगा? मेरा ये है, इसलिए वो केस जो है हमने स्टडी किया, सब कुछ किया, बच्चों से बात किया, और आज जो है फिल्म कंप्लीट है, और नवंबर से पहले ऊपर वाले के दुआ से, आप लोग का आशीर्वाद से, हम इसको रिलीज़ भी करेंगे। राइटर भी हैं आप इस फिल्म में, खुद लिखी है आपने? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैंने बहुत सारे न्यूज़ के जो इसमें न्यूज़ देखा था मैंने, और न्यूज़ वाले ने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, सब कुछ बनाए थे, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकल उन लड़कियों से बात किया तो उनका और उनका बहुत डिफरेंट था। न्यूज़ में तो कुछ दिखाया ही नहीं गया था जो उनके साथ हो चुका था। वो गूंगी मतलब जो बच्चियां थी, जो किसी का नाम तक नहीं ले पा रही थी, वो इशारा कर रही थी कि इसने मेरे साथ बहुत कुछ किया, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। क्या है कि मीडिया वालों ने बहुत सारी चीज़ जो है ना वो भी छुपाया है, बहुत सारी चीज़ दिखाया नहीं है, क्योंकि उन जो बच्चियों ने जो कहानी सुनाई है वो इतनी दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आप रो देंगे। मैं लिखते लिखते 2-3 बार रोया हूँ। आप रो गए? उन रोते भाई, उसका कहानी लिखने, आप समझ रहे, जो राइटर होता है ना वो फीलिंग करता है, एक सीन को हम फील करते हैं, तो जो आप लिख रहे होते हैं तो उस दर्द को महसूस करते हैं। भाई मेरे 1-2 बार मेरे आँख में आंसू आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं, फील करते हैं,
तो आप सोचिए कि उस पर बीती होगी, जिस लड़की के पीठ पे हाथ पे सिगरेट का दाग होगा उसकी फीलिंग समझिए, और वो किसी को कुछ नहीं कह पाती है, गूंगी है, वो किसको क्या बोलेगी, आप समझ रहे हैं। उसको लेके जाके सप्लाई किया जाता है, किसी को क्या बोलेगी। तो कहने का मतलब है कि मीडिया का तो लास्ट में जो अहम रोल रहा है, मीडिया के वैसे ही सब कुछ उजागर हुआ है, लेकिन शुरुआती मीडिया क्यों नहीं आया, आप समझ रहे हैं। लास्ट का मीडिया सब आ गया, लेकिन शुरुआती जो प्रोत्साहन मिला, अगर ये खबर एक सुर में छप जाती तो क्या ठाकुर इतना बड़ा कांड कर पाता, 49 लड़की प्रेग्नेंट हो पाती नहीं, तो जेल में बंद। जेल में मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के वजह से बंद है, बिहार सरकार के वजह से नहीं। आप एक भी बताइए बिहार सरकार ने, अरे बिहार सरकार तो उनको फंडिंग करती थी भाई, बिहार सरकार के मंत्री उनको फंडिंग करवाती थी, शेल्टर होम, एक एक शेल्टर होम, दो दो शेल्टर होम का फंडिंग होता था। आपको डर नहीं लगा? देखिए डर सबको लगता है, अब मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगा, डर सबको लगता है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर डर गए तो फिर क्या मतलब है, तो डर को मार के फिर मैंने ये स्टोरी लिखी है। कहाँ कहाँ इसकी ये शूटिंग हुई है? देखिए इसकी शूटिंग हुई है बिहार, नोएडा, मुंबई और गुजरात, कई जगह पर। रिलीज़ कब हो? 9 नवंबर से पहले इसका प्लानिंग है रिलीज़ का, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो नवंबर से पहले। पाप का घड़ा तो नवंबर से पहले फूटना तय है, और देखा जाए तो इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा पाप है कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, मीडिया वाले ने सपोर्ट किया, तो ये ऐसा फोड़ूंगा ना कि दोबारा कोई शेल्टर होम में बच्चियां जो है वो उसके साथ हवानियत नहीं होगी। एक अंतिम सवाल है, इस फिल्म के माध्यम से क्या मुजफ्फरपुर शर्मसार नहीं होगा फिर पूरे दुनिया में? देखिए मैं लिखित दे सकता हूँ आपको कि इस फिल्म के बाद मुजफ्फरपुर शर्मसार नहीं होगा, मुजफ्फरपुर के एक आदमी जो कांड किया है वो शर्मसार होगा। आपने सुना कि क्या कुछ कहा कुमार नीरज हैं, जो फिल्म के निर्देशक भी हैं और राइटर भी हैं, उन्होंने कई सारी बातों को कहा है, कई जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, और इन्होंने साफ साफ कहा पाप का घड़ा जल्द ही फूटेगा। तो मैं रही सिटीज के साथ। पाप का घड़ा तो नवंबर से पहले फूटना तय है, ऐसा फोड़ूंगा ना कि दोबारा कोई शेल्टर होम में बच्चियां जो है वो उसके साथ हवानियत नहीं होगी। जिस लड़की के पीठ पे हाथ पे सिगरेट का दाग होगा उसकी फीलिंग समझिए, और वो किसी को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उन जो बच्चियों ने जो कहानी सुनाई है वो इतनी दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आप रो देंगे। मैं लिखते लिखते 2-3 बार रोया हूँ। 20-30 लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट होती है, तब भी बिहार सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। इसलिए हमें पिक्चर बनानी पड़ी कि ताकि ये जो चीज़ है जो दबी हुई है उसको उजागर किया जाए, जो पाप है, पाप का घड़ा है, उसको अब फोड़ने का टाइम आ गया है।